अब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग का शो, गेम्स होगी, बहुत मजा आएगा, एयरवे का सेट, और यहाँ पर होगा जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान पे गई पता है आप लोगों को, मैंने एक बात बताई नहीं, आज मैं जीतो पाकिस्तान में गई थी, आपको पता है? जीत के क्या आई हो? हीरापी, आपको पता है मैं जीतो पाकिस्तान गई थी? हाँ भाई जीत कर आई। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रोफेसर्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो आज मैं गाड़ी में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत लेट हो गई हूँ। हमारी बस निकल जानी है, आज हम लोगों ने जाना है एयरवे स्टूडियो, वहाँ पे हमें दिखाएंगे बैक स्टेज से किस तरह से कैमराज रखते हैं ये वो, तो बहुत मज़ा आएगा। मैं ऑलरेडी लेट हो गई क्योंकि हमारी बस जो थी वो निकली थी 9:30, अभी इस टाइम हो रहा है 9:49। बाबा जी सिचुएशन के बारे में क्या कहना, मैं लेट हो गई हूँ ना, आप भी तो थोड़ा लेट निकले हैं। मेरी तैयारियाँ ही बहुत लेट है, बट क्या दुआ करें पहुंच जाओ, और अगर बस निकल गई तो फिर यूनिवर्सिटी में ही रहना पड़ेगा। तो चलो वैसे फाइनली मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई, मुझे नहीं पता कि बस निकल गई कि आई थिंक सो नहीं निकली, क्योंकि मुझे मैसेज से मेरे दोस्तों ने बताया कि अभी तक बस नहीं निकली है, तो मैं टाइम पर पहुँच गई हूँ। वैसे भागते डंडे से गुआते और फिर निकलते हैं। हमारे सामने बस बस नहीं गई है तो मैं टाइम पर पहुँच गई, थैंक गॉड। तो हम लोग यहाँ पे हमारा शो स्टार्ट होने वाला है, और अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा होस्ट आएगा, उधर हमारा गेस्ट आएगी, और हम लोग ऑडियंस हैं। पक्का बताओ जा रहे हैं ना? अब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग का शो, गेम्स होगी, बहुत मजा आएगा, एयरवे का सेट, और यहाँ पर होगा जीतो पाकिस्तान। यहाँ पे हमें खाना मिल दिया है, और कैसे यहाँ पे कोई शूट नहीं हुआ, हमें बस खाना खिलाया, लोकेशन दिखाई, और हम वापस घर जा रहे हैं। यहाँ पर ये चेयर्स होती हैं, ये इनका गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे ये इनकी बाइक्स होती हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ऊपर है इनकी लाइटिंग वगैरह होती है। फाइनली हम लोग का यहाँ से सब ट्रिप खत्म हो गया, अब हम लोग जाएंगे वापस यूनिवर्सिटी, फिर जाएंगे घर, फिर घर जाके मम्मा को बताती हूँ मैंने सब कुछ देख कर आई हूँ। सो ये हमारी बस। ओके यार, सो यूनिवर्सिटी में हमारी एक और क्लास थी, मैंने वो ली है। अरे तो हमारी यूनिवर्सिटी में कवाली टाइप डे है, तो वो देखते हैं क्या क्या हो रहा है उधर। तो यहाँ पर काफ़ी रश वगैरह लगा हुआ है, जाके देखते हैं। यहाँ पर हो रही है कुछ कवाली टाइप, और बहुत मज़ा आ रहा है, आपको सामने से दिखाती हूँ। और गाइस फाइनली हमारा इवेंट भी खत्म हो गया, बहुत मजा आया। आज यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही थी, तो अब चलते हैं घर, क्योंकि घर जाके मुझे बहुत काम है, कल शादी स्टार्ट होने वाली है, ढोल की है, बहुत काम है, तो लेट्स गो। ओके गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ, और बहुत 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 थक गई हूँ, आज बहुत ही मजे का दिन। फातिमा का पता है आज मैं कहाँ गई? जीतो पाकिस्तान पे गई, पता है मुझे, मैं कैसे पता, बताया नहीं सुबह से, स्ट्रीक भरी थी जो संडे का, वहाँ पे पूरी गाड़ियाँ बाइक नहीं वो तो लेकिन हमारे संडे का एक दिन हमें लेके जाएंगे एज अ ऑडियंस, वहाँ पे बड़ा मजा आएगा देखने। पता कौन सी गाड़ी थी? ऑल्टो, ऑल्टो थी, अच्छी गाड़ी, ऑल्टो अच्छी है, होंडा बाइक थी। इतना मैं सबको लोगों को दिखाया भी है, और मैं भी एक दिन एज अ गेस्ट भी जाऊंगी इंशाल्लाह। अभी कवर देख के तो लोगों को ये लगा था कि मैं एज अ गेस्ट गई हूँ, लेकिन हमारा ट्रिप गया था, हमें लाइट सिखाई है, क्योंकि मैं यही पढ़ रही हूँ। फातिमा की दोस्त है, वो जैनब की दोस्त आई हुई है, ये फातिमा की दोस्त आई हुई है, डांस प्रैक्टिस ही नहीं कर रही हो तुम। पेरिस, थाईलैंड, हांगकांग, जीतो पाकिस्तान चला था। नहीं ये हमारे पढ़ाई थी, ट्रिप नहीं था, मतलब क्लास की पढ़ाई मुझे कभी ना कराई, मतलब आज हमारी क्लास जो थी वो एआरवाई के चैनल पे हुई थी, एआरवाई के चैनल पे। ओह माय गॉड, टीवी पे नहीं आई यार पढ़ाई करने, उनकी लाइट चेक नहीं थी कैसे लाइट सेट करते हैं, सब पढ़ने गई थी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल स्टडी कहते हैं। तुम्हें सब सीख रहा हो, तुमने है नहीं कुछ, सर है ना डायरेक्शन के, वो एआरवाई पे वहाँ पे काम करते हैं, उनका है वो। हाँ जी, बड़े बड़े सर पढ़ाते हैं। तुम्हें मैंने बहुत अच्छा इंसिडेंट बताऊँ ऐसा क्या हुआ, सारे से खड़े थे वहाँ की जो हॉर्स थी ना, थोड़ी फेमस चाहिए थी, पता नहीं मैं जानती थी, हल्की फुल्की जानती, ठीक है, सेटअप पे गई थी, सब बच्चों को ज्ञान दी थी, कहती मुझे कहती तो जैसे कि आप लोगों के पास कंटेंट बनाओ, आप लोग भी जैसे कि आप लोगों के पास अभी फातिमा फैसल है, तुम्हारा नाम लिया, तो बुशा भी बोलती फातिमा नहीं राबिया, कहती ओ सही सही, हाँ हाँ राबिया फैसल है, जितना फायदा हो सकता है इससे उठाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मिलने के बाद इन्होंने इसने आपको मुंह नहीं लगा, ये बोलो तुम्हारा नाम ले लिया। फिर आगे भी होस्ट सारे मेरे दोस्त राबिया कोलैब कर लो हमारे साथ सारे, और फिर सारे कहते हैं फातिमा तुम्हारे से ज्यादा फेमस है। नहीं नहीं हम दोनों इक्वली फेमस हैं। मैंने कहा मैंने मेरे सबको कही, मैंने कहा नहीं हम दोनों शक्ल मिलती है इसीलिए मैंने बोला, एक दो ने बहुत कोलैब किया है, फातिमा फैसल बोल दिया मुझे, अच्छा फील हुआ कि चलो मैं फिर थोड़ी बहुत फेमस तो हूँ यार। वो तुम लग रही है
जैसे मुझे मम्मा और मेरी सारी बहनें तो पार्लर गई हुई हैं, टोटा ही चाहिए दोस्त अच्छी चाहिए, जियोग्राफी खराब नहीं है, टोटा ही कछुआ है, कछुआ खरगोशी कहानी नहीं सुनी हुई तुमने वो है। तो खैर मम्मा आपी जैनब हिरा सब गए हुए हैं पार्लर और जैनब की दोस्तें इधर आई हुई हैं और जैनब अभी तक पता नहीं कहाँ पर है। खैर हम लोग डांस प्रैक्टिस करते हैं और फन करते हैं। एक मेरे दोस्तों ने कुछ बताया है, क्या बताया? ये टर्टल है, ये टर्टल है, ये वो कह रही वो टर्टल है उसकी दोस्त हंसी, उसकी दोस्त समझदार है तुमसे तो फातिमा। कौन सी क्लास में हो तुम लोग? माशाल्लाह आप बड़ी यूनिवर्सिटी में जा चुकी हैं। मैं फिर भी ये हालात है आपके? कोई बात नहीं, मेरी भी यही है, मैं यूनिवर्सिटी जाके ऐसी हूँ। यार ये होता है कि आप लोग आपका दिमाग उस टाइम पे चल नहीं रहा होता। खैर चलो बस करो। ओके यार सो अब करते हैं चेंज, थोड़ा फ्रेश होते हैं, खाना पीना खाते हैं और मिलती हूँ आपसे। और वैसे मैंने चेंज वगैरह कर लिया तो हमारा खाना आ चुका है, हमें ऑर्डर किया था वो खाते हैं। गाइस मेरी बहनें आ चुकी हैं। हेलो आपी, हेलो मम्मा। आप लोगों को मैंने एक बात बताई, नहीं आज मैं जीतो पाकिस्तान में गई थी, आपको पता है? जीत के क्या गई? ऑफ सेट गई थी, ऑन सेट नहीं गई थी। पापा जी मुझे ले जाएंगे, मैं कवाली नाइट से फ्री, हमारी यूनिवर्सिटी में वो डीजे नाइट थी। मैं मोबाइल हाथ पकड़ के बैठा था, मैंने मैसेज बना था, मैंने कहा क्या पता पापा घर हो ले ही ले मुझे, फिर मैं खुद ही इंतजाम करती हूँ अपनी दोस्तों को, यार मुझे छोड़ दो मेरे पापा बैठ। वो कहते हैं आजकल आप जाके पापा फिटनेस में लगे हुए हैं, शादी आ रही है ना इसीलिए पापा जी पेट पूरा अंदर होना चाहिए, अगले चार अंदर क्या थ्री बैग होता है, छह बैग सिक्स बैग। अभी खाना शाना खा रहे हैं ये लोग, आज से हमने बाइट का खाना छोड़ा, बाइट नहीं खाया, घर आके खा रहे हैं। अमर रोटियां बाइट से ही लेकर आई है, वैसे लेके आई है, इससे बंदा खाना घर का है, बाहर। कल से हमारे इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे बहुत एंजाइटी भी हो रही है, रात की बंद हुई पड़ी यार, मैं वो आज करके आई यूनिवर्सिटी में, इसलिए गला खराब है। पापा जी मैंने एक बात पूछनी है सबको, मैं पापा जैसी हूँ के मम्मा जैसी हूँ? नहीं तुम्हारे ब्लॉग में पूछ चुके, तुम्हारे पास कुछ और नहीं है, सवाल नहीं पहन आई, मुझे कह रही आप मम्मा जैसी हो, मैं लोगों को क्वेश्चन करती हूँ इस पे। अभी पापा के साथ एक शक्ल रखती हूँ अपनी और फिर मम्मा के साथ, एक मिनट रुको। अच्छा बताएं पापा से मिलती है या फिर मम्मा से मिलाते हैं? रुको आके नहीं ना रुक जाओ यार, मुझे लगता है दोनों का मुस्कुराओ। मैं जब लिपस्टिक डार्क लगाती हूँ तब मम्मा जैसी लगती हूँ, नहीं दिख रही थी मम्मा, पता लगे मम्मा अंदर आई ही नहीं है, मम्मा नहीं लेकिन ज्यादा प्यारी लग रही है कैमरे में, नहीं आ रही। मम्मा आप प्यारी रियल में ज्यादा है और मुझे भी लोग कहते हैं कि आप रियल में ज्यादा प्यारी हो। गाइस शादी से पहले मेरी बहनें पता नहीं क्यों बहुत हंस रही है, मम्मा के बाल ऊंची कर मम्मा आपके बाल खड़े की पता नहीं कैसे करके ऐसे ऊपर कर दिए, मम्मा के बाल ऐसे खड़े हुए बहुत प्यारी थी मैं आपको, मेरी नाना वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मम्मा को बाल खड़े कराने की बड़ी हुई थी झूठ बोल रही, इतनी टिड्डी है 30 साल की हूँ, आप ही 40 लाख मगर 30 है तो आप ही, तो फिर मेरे ख्याल से 80 सोने की रिंग उधर रह गई है, उसको कॉल करो आप ही, मम्मा की सोनी थी 1-2 मैंने मैसेज कर दिया, मम्मा को बस बाल खड़े कराने की पड़ी थी। आपके के कलर नहीं अच्छे, आप ही का नेल दे, क्या कह रही है मम्मा? यार कॉल करो जल्दी, तुझे अपने नेल की पड़ी, मैं कह रही मेरे रिंग का पता करो। मम्मा यार मैंने उसको मैसेज कर दिया, आप भी ना वैसे मुझे सो गई हूं, मम्मा सो तो गई होंगी, पता नहीं कितनी सीरियस सिचुएशन आ रही है, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी रिंग मंगवा के तो घूम गई है अपनी, मैं एक ही बात सब कहूंगी हनी तो वैसे तेरे व्लॉग का मकसद होना चाहिए मेरी रिंग मिलना, ना मिली ना तो देखना फिर क्या करूं। मम्मा ठीक है बट बाल दुआ करो उसे पूछो, उधर ही होगी सारा ध्यान मेरे बालों पे, मैंने वेडिंग करवाया आपने उधर से? हां उसी ने किया, उसने उतार के ना साइड पे रख दिया, करके चल जाते हुए पकड़ लो। वैसे आपने ये ना बहुत इररिस्पांसिबल बहुत गलत हरकत किया, जाना मुंह धो के आगे, अब देखो एक टेंशन यार शादी की टेंशन थोड़ी, शादी कल से शादियां स्टार्ट हो रही है यार, बस मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद अब से, क्या करो उसको वो पता नहीं, तो नहीं
गई। हम लोग कॉल करते हैं और रिंग मंगवाते हैं, मिल जाएगी। और पापा पापा जी मम्मा देख ले लापरवाही का, मम्मा ने नतीजा किया और रिंग भुलाई। यार एक मिनट रुको, उसका मैसेज आया कि मैंने वो रख लिया। चलो शुक्र है, खुश शुक्र है। यही गलती बेटी से हुई होती इतने डांट सुनने को पड़नी थी। पापा भी गवाह इस बात के, है ना। हीरापी आपको बोला मैं जीता पाकिस्तान गई थी। हाँ भाई जीत कर आई हूँ, मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच्ची में गई थी जीतो पाकिस्तान गई थी। और वहाँ पे हम लोगों ने शो देखा, ओवर लाइट्स वगैरह, ये वो बात नहीं सुन रही मम्मा मैं। ओए तेरा व्लॉग देखूंगी, इतनी इग्नोर जिंदगी में कभी नहीं देखी मैंने। ओके गाइस, होप सो कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।